क्लास 7। इससे पहले जो है कि हम लोग 2 लेसन कंप्लीट पढ़ चुके हैं, आज से एक न्यू लेसन यानी लेसन 3 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस लेसन का नाम है पृथ्वी पर परिवर्तन लाने वाले बल। हम लोग साइंस में पढ़े हैं कि जब किसी भी निर्जीव या किसी भी सजीव वस्तु पर जब बाहर से बल लगाया जाता है तो बल लगने के बाद उसके आकार, उसके स्थान, उसके रूप में परिवर्तन आता है। तो उसी प्रकार से जो साइंस में हम लोग पढ़े कि बल लगने के बाद किसी भी वस्तु का स्थान परिवर्तन हो जाता है या उसका रूप और आकार में परिवर्तन आ जाता है, तो उसी प्रकार से जो है कि पृथ्वी पर भी जो है कि 2 प्रकार के बल लगते हैं। एक है इंटरनल फोर्स और दूसरा है एक्सटर्नल फोर्स, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग से अंदर से ऊपर की तरफ लगने वाले जो बल होते हैं वो उस बल को हम लोग एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं, इंटरनल फोर्स कहते हैं जो नीचे से ऊपर की ओर लगता है, और एक्सटर्नल फोर्स होता है जो पृथ्वी के बाह्य प्रक्रिया यानी बाहर से जो है कि वो नीचे की तरफ जो है कि लगता है। तो ये 2 प्रकार के बल लगते हैं। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी का जो स्थलीय भाग है, जो मैदानी क्षेत्र है, उस मैदानी क्षेत्र पर ही पहाड़, पठार, मैदान, झील, नदी और जो है कि हम लोगों का घर, मैदान, स्कूल वगैरह, ये इसी जो है कि मैदानी क्षेत्र पर है। और इन्हीं मैदानी क्षेत्रों का ये आकृति जो है वो एक समान नहीं है, एक जैसा नहीं है। कहीं पर पहाड़ है तो कहीं पर पठार है, तो कहीं पर समतल मैदान है, तो कहीं पर काफ़ी जो है कि नीचे गड्ढा जो है कि है, कहीं पर जो है काफ़ी गहरा है, कहीं पर जो है कि आपका क्या कहते हैं घाटी बना हुआ है। तो इस प्रकार से जो है कि एक प्रश्न हम लोगों के सामने आता है कि ये आकृति आखिर बनता कैसे है, कौन बनाता है। तो ये आकृति ये हम लोगों के द्वारा नहीं बनता है या हम लोगों का कोई योगदान नहीं रहता है, बल्कि प्रकृति की तरफ से ये स्वतः बनते जाता है। आज से 1000 साल पहले आप किसी स्थान पर पढ़े होंगे कि पहाड़ था, आज वो स्थान पठार के रूप में जो है कि परिवर्तित हो गया। आप जो है कि बुजुर्गों से जाने होंगे या किताब में पढ़े होंगे कि बहुत बड़ा जो है कि वो नदी वाला क्षेत्र था, आज वहाँ पर समतल हो गया और बहुत बड़ा जो है कि समतल वाला क्षेत्र था वो नदी का रूप धारण कर लिया। ये कैसे होता है? ये प्रकृति की तरफ से होता है, ये प्राकृतिक घटना के कारण होता है। प्राकृतिक घटना में आपका आंधी, तूफान, भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी, उसके बाद बाढ़, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण और जो है कि मौसम और जलवायु के कारण ये सब परिवर्तन आता है। तो ये परिवर्तन लाने का मुख्य जो कार्य होता है, जो मुख्य कारण होता है, वो 2 है। पहला है आपका पृथ्वी का बाह्य प्रक्रिया और दूसरा है आपका पृथ्वी का आंतरिक बल। ये दोनों जो है कि प्रकार के प्रक्रिया से, 2 प्रकार के बल से जो है कि इसमें से परिवर्तन लाता है। अब है कि पृथ्वी के बाह्य प्रक्रिया, पृथ्वी के बाह्य प्रक्रिया में पहला जो है आपका है चट्टानों का अपेक्षय। अपेक्षय किसे कहते हैं? चट्टानों के बाह्य प्रक्रिया या आंतरिक प्रक्रिया से उनके आकार में जो खंडन होता है, परिवर्तन होता है, टूटता है, फूटता है, खंडित होता है, तो इस सारी प्रक्रिया को यानी चट्टानों का टूटने, फूटने और खंडित होने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को चट्टानों का अपेक्षय या अपरदन कहते हैं। और ये हुआ आपका चट्टानों का अपेक्षय। अब चट्टान के अपेक्षय वो 3 प्रकार का होता है। एक है आपका रासायनिक अपेक्षय, दूसरा है आपका जैविक अपेक्षय और तीसरा है भौतिक अपेक्षय। चट्टानों का अपेक्षय को समझने के बाद हम समझेंगे कि चट्टानों का रासायनिक अपेक्षय कैसे होता है। चट्टानों का गलना, उसका जो है कि टुकड़ा होना,
और उसके बाद कहा गया है कि उसके घुलना, उनका बंधन टूटना, ये चट्टानों का रासायनिक अपेक्षे कहलाता है। उसके बाद जो है दूसरा है आपका जैविक अपेक्षे। जैविक अपेक्षे जो है ये आपका क्या होता है, पृथ्वी का बाह्य प्रक्रिया का दूसरा ये कार्य माना जाता है, दूसरा प्रक्रिया माना जाता है। जैसे जीव जंतु चलते हैं, उनके पैरों से और पृथ्वी के बीच में घर्षण पैदा होता है। उस घर्षण से क्या होता है कि मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है। उसी तरह से आपके पेड़ पौधे आंधी तूफान आने के बाद क्या होता है, वो उखड़ जाता है। उखड़ जाने के बाद वो अपने साथ जो है कि बहुत सारे चट्टानों के टुकड़े, बहुत सारे जो है कि पत्थर और बहुत सारे जो है कि मिट्टी का जो है कण वो अपने साथ लेकर के बाहर निकलते हैं। इस प्रकार से जो है कि आपका क्या है, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं द्वारा चट्टानें टूटती फूटती है, पेड़ पौधों की जड़ें दरारों से होकर चट्टानों में प्रवेश कर जाती है और उन्हें तोड़ने लगती है। चूहे खरगोश आदि भी जंतु द्वारा भूमि खोदे जाने में भी चट्टानें कमजोर हो जाती है। ये सब सारी प्रक्रिया जो है वो आपका जैविक अपेक्षे के अंतर्गत आता है। थर्ड में है आपका भौतिक अपेक्षे। भौतिक अपेक्षे में चट्टानें टूटने लगती है, टुकड़े टुकड़े होने लगती है। सूर्य ताप और पाला भौतिक अपेक्षे के सबसे बड़े दूत हैं। उसने मरुस्थलीय सूर्य ताप में प्रभाव से चट्टानें फैलती और सिकुड़ती रहती है। ये प्रक्रिया आपका भौतिक क्या है, अपेक्षे हैं, चट्टानों के भौतिक अपेक्षे। तो ये तीनों कार्य जो हुआ कैसे हुआ, वो पृथ्वी के बाह्य प्रक्रिया से हुआ। बाह्य प्रक्रिया के ही कारण जो है आप देखे होंगे कि बहुत बड़े जो है कि वो चाहे मिट्टी का टीला हो, चाहे जो है कि आप किसी अन्य पदार्थ का टीला बना हुआ हो, वो आंधी तूफान में या सैलाब में वो एक स्थान से दूसरे स्थान जो है कि वो चले जाता है, चाहे वो बह करके चाहे उड़ करके। ये जो है कि आपका क्या कहलाता है, पृथ्वी का बाह्य प्रक्रिया के कारण होता है। आगे जो है कि हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी का आंतरिक बल। फर्स्ट जो है कि हम लोग पढ़े पृथ्वी का बाह्य बल और आगे पढ़ेंगे पृथ्वी का आंतरिक बल। पृथ्वी के आंतरिक बल के ही कारण पृथ्वी के ऊपरी भाग पर हमें भूस्खलन या जो है कि भूकंप या जो है कि ज्वालामुखी जैसे प्राकृतिक आपदा को जो है कि देखने को मिलते हैं और हम देख सकते हैं। आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। अब तक जो है कि जो हम आपको समझाएं, जो बताएं, उस पर जो है कि आपका दो प्रश्न डिपेंड हैं। ये प्रश्न का आंसर जो है कि आप लोग नोट्स के रूप में बना लीजिएगा। पहला है पृथ्वी पर परिवर्तन लाने वाले बल कौन कौन से हैं। हम लोग पढ़े कि पृथ्वी पर दो प्रकार के बल लगते हैं, एक आंतरिक बल, दूसरा है बाह्य बल। और बाह्य बल के बारे में जो है कि हम आपको समझा दिए और आंतरिक बल के बारे में आगे समझाएंगे कौन कौन से हैं, इनसे किस प्रकार का परिवर्तन होता है। इनसे जो है कि आप देखिए कि इनसे परिवर्तन क्या होता है कि मैदान भूकंप की वजह से क्या होता है, पहाड़ का रूप धारण कर लेता है। और जब वही पहाड़ का ऊपरी सिरा जब वो प्राकृतिक कारणों से जब वो कटता छटता है तो वो पहाड़ का रूप ले लेता है। और कहीं पर ऐसा देखे होंगे कि भूकंप आ जाने के बाद बहुत बड़ा जो एक गड्ढा बन गया और सैलाब आने के बाद फिर वो गड्ढा जलमग्न हो गया, जल से जो है कि वो भर गया, तो वो झील का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार से जो है कि पहाड़ पठार और जो है कि झील का वो निर्माण करते रहता है, यही उसका परिवर्तन होता है। दूसरा प्रश्न है आपका अपेक्षे कितने प्रकार के होते हैं। अपेक्षे मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, रासायनिक अपेक्षे, जैविक अपेक्षे और भौतिक अपेक्षे। ये तीनों को लिख लेना है, फिर तीनों को डिटेल करना है। प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिख कर किसी एक का वर्णन करें। तीनों का नाम लिख लीजिएगा और तीनों में से जो आपको समझ में आए, पढ़ना तो तीनों को है लेकिन उसमें से जो आपको सटीक समझ में आए, जो सटीक आप लिख सकें, उसको जो है कि आप डिटेल से जो है कि नोट्स के रूप में लिख लीजिएगा।